तो दोस्तों आज देखते हैं 5 दिन बाद मेरी मुर्गी ने अंडा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी ये बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है कड़कड़ा रही थी। और ये देखो अंडा, मैंने इसे बिल्कुल सेपरेट दाब रखा था, आज ये इसी तरीके का ढंग कर रही थी जैसे कि ये अंडा देने वाली हो, और इसने जो है ये अंडा मुझे दे दिया क्रॉस होने के 5 दिन बाद। तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पर अपनी मुर्गी को अंडे हैच करने के लिए बिठाने वाला हूँ। इस यहाँ जो है एक ये जाली वाला एक पिंजरा है मेरा, गर्मी का मौसम है ताकि हवा का बिल्कुल आवागमन रहे, बना रहे, वेंटिलेशन बना रहे, ये वो मुर्गा है। और यहाँ पर मैं जो है एक अपनी मुर्गी को, कुड़क मेरी मुर्गी है देसी, उससे मैं बच्चे निकलवाने वाला हूँ। ये एक अंडा, दो, तीन, और ये चार, पाँच, और ये छः, छः ही मेरी मुर्गी ने मुझे अंडे मिले थे और बाकी मुझे हाथ नहीं लगे। ये मुर्गी जो है ये एक देसी देसी मुर्गी है, जिस मुर्गी के अंडे थे वो कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैंने नहीं बिठाई। ये मुर्गी जो है देसी मुर्गी है, इसे मैंने पहले से जो ट्रेंड कर लिया था, ये मुर्गी आएगी अपने आप चुगेगी और इसमें आकर जो है बैठ जाएगी। इस मुर्गी को जो है मैंने पहले से ही ट्रेंड कर दिया था ताकि ये आए बाहर से चुग के और सीधा जो है अपने अंडों पर आकर अपना आप ही जो है बैठ जाए। ये देखो अपना आप ही जो है मुर्गी अंडों के ऊपर बैठने वाली है, कुछ ही देर में जो है ये अपने ये अंडों को जो है एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि मैंने पहले से जो ट्रेनिंग इसे करवा रखी थी लेयर मुर्गी अंडों पर, जो मैंने इसे पहले ही ट्रेंड कर दिया था। ये देखो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। दोस्तों देखो मुर्गी जो है बिल्कुल अंडों को कवर करके बैठ गई है, बिल्कुल सारे अंडे जो ढक लिए हैं। मिलते हैं अब 21 दिन बाद। दोस्तों ये रहा वो चूजा जो मैंने ऊपर से जो है थोड़ा छिलका उतार दिया है ताकि इसे निकलने में जो है थोड़ी सी हेल्प मिले, तो इस वजह से जो है मैंने निकाल दिया है। एक तो ये जो है मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अब शाम का समय है, देखते हैं सुबह तक ये निकलता है कैसे इसकी जो है स्थिति होती है। मैं आपको दूसरा अंडा दिखा रहा हूँ अभी। और दोस्तों दूसरा अंडा है ये वाला, काफ़ी छोटा अंडा है, बहुत ही छोटा है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि इसमें से बच्चा पता निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन असील के हैं, छोटे अंडे होते हैं, साइज़ में लेयर मुर्गी के मुकाबले जो है छोटे अंडे होते हैं। और ये देखो एक चोच उसमें मार दी है, शायद आपको आवाज़ आए या नहीं आए, आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बच्चे जो है निकल। दोस्तों मुर्गी के बच्चे आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 दिन के हो गए हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और खूब जो है तेज़ हैं, किसी का जो कोई गुंजाश नहीं है। मुर्गी ने जो है मैंने मुर्गी के नीचे रखे थे 6 अंडे और निकले हैं 3 बच्चे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको जो है पहले दिखा नहीं पाया, मैंने जो है अब से पहले अपनी मुर्गियों जो छोटे चिक्स हैं मेरे असील के, उसे मैं जो है मैंने गुड़ का पानी भी दे चुका है, उससे 3 दिन जो है फिर सादा पानी चलाया, और उसके बाद में मैंने जो है मल्टीविटामिन जो है लैक्सिन पाउडर वगैरह जो मैं देता हूँ अपनी एंटीबायोटिक मुर्गियों को बीमारियों से, ताकि पेट में जो है उनके इन्फेक्शन ना हो जाए, इन्फेक्टेड ना हो जाए, पेट भी उनका सफा हो गया। अब उसके बाद में जो मैंने उन्हें एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक देने के बाद में सादा पानी दिया, सादा पानी देने के बाद में फिर जो है 4th-5th दिन ये एक वो है मल्टीविटामिन के जो है ये 1 लीटर पानी है, लगभग 1 लीटर छोटा ये जो है ड्रिंकर जो है ये छोटा है, और ये मैं इसमें जो है 2 ढक्कन डाल दूंगा। दोस्तों ये जो आप मुर्गी के बच्चे देख पा रहे हैं ये लगभग 8-10 दिन के बच्चे हैं आज जो हैं, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये मुर्गी के बच्चे बिल्कुल एक्टिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हष्टपुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, एक्टिव हैं। और आज मैंने इन्हें दे दिया है आपके सामने मल्टीविटामिन, पहले मैंने जो इसे मीठा गुड़ का पानी दे दिया था और 4-5 दिन सादा पानी देने के बाद में फिर मैंने दिया था इन्हें एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक देने के बाद में ये आज मैंने दिया है इसके मल्टीविटामिन और सादा पानी देने के बाद में फिर मैं आप इन मुर्गियों को दूंगा गुड़ का पानी।